सुंदर कौन नहीं होना चाहता, खूबसूरत कौन नहीं दिखना चाहता, और कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन ग्लो करे। हम बहुत कुछ करते हैं हमारी स्किन पर वो ग्लो लाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको 8 ऐसे ईटेबल्स फूड भोज्य पदार्थ बताऊं, जो अगर आप अपनी डेली डाइट में ऐड करते हैं, 8 चीज़ें, वो आपके त्वचा को ऐसे दमका देगी। और 30 दिन इनका सेवन कीजिए और 30वें दिन कोई आपको पहचान भी नहीं पाएगा, कहेंगे वाह भाई आपने क्या किया है जो इतना दमक रहे हैं। तब आप बताइएगा हमने भारत योग और भारत योग का ज्ञान प्राप्त किया है। तो आइए सीधा सीधा चलते हैं, समझते हैं क्या है वो 8 चीजें। सबसे पहली चीज है वाटर, H2O। जितना अधिक आप पानी का सेवन करेंगे उतना आपका चेहरा दमकेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस ऑफ एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग, तो वो नहीं करना हमको। हमको क्या करना है, मॉडरेट अमाउंट में पानी पीना है, यानी 3 से 4 लीटर पानी हमको प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी त्वचा दमकने लगेगी। दूसरी चीज़ है वाटरमेलन। वाटरमेलन में इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि अगर आप वाटरमेलन का सेवन करते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके चेहरे को दमका देगा। तो जब वाटरमेलन का सीजन होता है आप भरपूर मात्रा में वाटरमेलन लीजिए। जितना वाटरमेलन का सेवन करेंगे आपकी त्वचा के लिए उतना ही अच्छा है। तीसरी चीज़ है बेरीज। बेरीज में भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही विटामिन के विटामिन ई से भरपूर होती हैं बेरीज। बेरीज को मोस्टली हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर ड्राई बेरीज लेते हैं, लेकिन जो फ्रेश बेरीज हैं वो हमें हमारी स्किन को ग्लो करने में, हमारी स्किन को बेहतर बनाने में बहुत बहुत लाभकारी होती हैं। चौथी चीज़ है बीट रूट। बीट रूट यानी चकुंदर। चकुंदर को तो हम कुछ समझते ही नहीं है ना। I am very vocal about चकुंदर। हम बार बार आपको कहते हैं चकुंदर का सेवन करो, चकुंदर का सेवन करो। जिस तरह से बेरीज फाइबर रिच होती हैं, चकुंदर भी फाइबर रिच है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप चकुंदर का रोज़ सेवन करते हैं तो आपकी त्वचा को ग्लो के साथ साथ गुलाबी भी बनाता है। आपको आर्टिफिशियल रूज और पता नहीं क्या क्या जो आप मुँह पर लगाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, पिम्पल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन सब में आपको लाभ मिलेगा। पाँचवी चीज़ है लेमन, नींबू, जो बहुत आसानी से आपको अपनी रसोई में मिल जाएगा। हम अक्सर भारतीय भोजन में मैक्सिमम चीज़ों में नींबू का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं, किसी और रूप में भी नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। जितना आप लेमन अपनी डाइट में लेंगे, क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है और ये निश्चित रूप से आपकी स्किन को ग्लो देगा। अगली चीज़ है हनी तुलसी टी। बहुत सरल है, आप एक पैन में पानी रखिए, उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाल दीजिए, उन्हें उबलने दीजिए, बस तैयार। अब इसमें थोड़ा सा हनी डालिए, मिक्स कीजिए और इसका सेवन कर लीजिए। हनी तुलसी टी अगर आप रोज़ लेते हैं तो ये एंटी बैक्टीरियल है, ये आपको डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है। आप इसको अर्ली मॉर्निंग एज अ डिटॉक्स ड्रिंक भी ले सकते हैं और ये आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होता है। सातवीं चीज़ है आवाकाडोस। आजकल आप आवाकाडोस के बारे में बहुत सुनते होंगे, और क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वे और कसैले के नज़दीक होता है, मोस्टली कसैला, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये एक हेल्दी फैट है जिससे कि हमारी स्किन को बाउंसी, मॉइस्चराइज, फ्लेक्सिबल बना देता है, जैसे कि छोटे से बच्चे की स्किन होती है। छोटे से बच्चे की स्किन कितनी क्यूट सी होती है और हम सबका मन करता है अरे बच्चे को ऐसे ऐसे कर दो। तो अगर हम आवाकाडोस का एवरीडे सेवन करते हैं तो ये हमारी स्किन को बाउंसी, फ्लेक्सिबल और मॉइस्चराइज रखता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है गाय का देसी घी, जो बहुत ही अंडररेटेड है। अंडररेटेड इन द सेंस लोगों को लगता है अरे नहीं हम घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप गाय का देसी घी का सेवन करते हैं तो ये हमने आपको बताया था पहले भी कुछ वीडियोज में कि अगर आप अपने हर मील से पहले, लाइक लंच से पहले, डिनर से पहले, एक एक चम्मच घी खा लीजिए, और खाने में बहुत ज़्यादा घी मत लीजिए, तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा और आपके स्किन को एक अद्भुत ग्लो और यूथफुलनेस देगा। तो ये 8 बहुत सरल सी चीज़ें हैं, आप इन 8ों को अपनाइए और ध्यान रखिए कि नियमित रूप से योग साधना करें, प्रकृति के सानिध्य में रहें। ये 8 चीज़ें, 8 फूड आइटम्स अपने भोजन में ज़रूर ऐड करें, 30 दिन करके देखिए, और आप देखेंगे 30 दिन के बाद आपकी त्वचा अनरिकग्नाइजेबल, मतलब कोई पहचानेगा ही नहीं है आपको, इतनी अच्छी हो जाएगी। आज के एपिसोड में इतना ही। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।